नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे आईपीसी की धारा 376 ए के बारे में और बीएनएस में क्या चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो एक सीरीज चल रहा है कितना बदल गया कानून, उसी में हम लोग आज 376 ए को डिस्कस करेंगे, जो कि बीएनएस की धारा यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 से मैच करती है। और इसमें हम लोग मुख्य रूप से जो ये 376 ए है वो बलात्कार के बाद पीड़ित की मृत्यु या उसे लगातार अचेत रखने के लिए सजा का प्रावधान इसमें किया गया है कि अगर बलात्कार हो रहा है और बलात्कार के दौरान या उसके बाद जो पीड़िता है उसकी मृत्यु हो जाती है या वो लगातार अचेत रहती है, तो इसके लिए आईपीसी की 376 ए जो धारा है, वो सेक्शन है, वो लगता है। और अब जो भारतीय न्याय संहिता है वो उसकी सेक्शन 66 इसको डील कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं डिटेल में। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिख रही होगी। सेक्शन 376 ए ऑफ आईपीसी डील्स विद द पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ ड्यू टू रेप आर रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अगर कोई रेप केस होता है और उस रेप के दौरान उस पीड़ित व्यक्ति की, उस पीड़ित महिला की अगर मृत्यु हो जाती है या पीड़ित जो पीड़िता है वो इस अचेत अवस्था में पहुंच जाती है, उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। माइंड का जो वेजिटेटिव स्टेट अगर उसका आ जाता है, तो उसमें भी आईपीसी की धारा 376 ए के तहत पनिशमेंट का प्रावधान है। दोस्तों, 376 ए को जरा डिटेल में देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, Whoever commit an offence punishable under subsection 1 or subsection 2 of section 376। तो इसके पूर्व में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने 376 के दोनों सेक्शंस को देखा था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को। तो वहां से जाके आप देख सकते हो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्या है। एंड इन द कोर्स ऑफ सच कमीशन इन्फ्लिक्ट्स एन इंजरी विच कॉज द डेथ ऑफ अ वुमेन आर कॉज द वुमेन टू बी इन अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment of life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death। तो अगर कोई इस तरह का कार्य कारित करता है जिससे किसी पीड़ित व्यक्ति का रेप हो और रेप के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाए या उस वो किसी ऐसी अचेत अवस्था में पहुंच जाए जहां से उसका जाग पाना कठिन हो, वो टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में वेजिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, उसको हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई इस तरह का कार्य कारित करता है कि रेप करता है, रेप के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वो अचेत अवस्था में पहुंच जाती है, तो उस स्थिति में कम से कम 20 साल की सजा या पूरी उम्र आपको रिग्रस इम्प्रिजनमेंट में गुजारना पड़ेगा, या आपकी जितनी लाइफ बची है, मतलब जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपको कैद में रखा जा सकता है या डेथ पेनाल्टी भी दिया जा सकता है 376 ए के अंतर्गत। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के बारे में, यानी पीबीएस के बारे में, कि ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट होता क्या है। इट इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर दैट कैन कॉज अ पर्सन विथ सीवियर ब्रेन डैमेज टू अपियर अवेक बट नॉट बी अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। पीपल इन पीबीएस मे हैव रेगुलर स्लीप वेक साइकिल्स, ओपन देयर आइज एंड एग्जिबिट बेसिक रिफ्लेक्सेस, बट दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू वॉइसेस, फॉलो ऑब्जेक्ट्स विद देयर आइज और शो इमोशंस। पीबीएस कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। पीबीएस क्या है, इसमें इस तरह से ब्रेन डैमेज हो जाता है इस एक्ट के अंतर्गत, रेप के अंतर्गत, कि रेप हुआ और वो इस स्टेट में चली गई कि वो जगी हुई दिख रही है, उसकी आंखें खुली हुई दिख रही हैं, लेकिन उसका माइंड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है,
वो अपने सराउंडिंग के बारे में कुछ भी उसको जो है अपीयर नहीं हो रहा है। साथ ही वो जगती है, सोती है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, जग रही है, सो रही है, स्लीप वेक साइकिल उसका है। अपनी आंखों को खोल के रखती है, किसी ऑब्जेक्ट के पीछे उसकी आंखें जा रही हैं, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रही है। बेसिक रिफ्लेक्सेस उसके पास हैं, बट दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड द वॉइसेस। वो किसी भी आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। उसके इमोशंस आ रहे हैं, उसकी आंसू निकलते हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। बहुत ही दुखद स्थिति होती है। आपने बहुत बार पिक्चरों में ऐसा देखा होगा कि रेप के बाद पर्सन बिल्कुल इस वेजिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है, जिस जहाँ पे उसका ब्रेन पूरी तरह से एक क्षतिग्रस्त हो जाता है और वो सब चीज़ें शो कर रही है, लेकिन कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी भी वॉइस के प्रति। अचेत है वो। तो इसी को कहते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। आइए आगे देखते हैं बीएनएस में क्या बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ बीएनएस में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। 376A IPC को बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया और वो अब सेक्शन 66 ऑफ बीएनएस से डील होगा। और इसमें भी वही बातें लिखी गई हैं कि सेक्शन 64 का 1 और 2 के अंतर्गत जो पनिशमेंट है वो दिया जाएगा, लेकिन अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में 20 साल की सजा कम से कम, या उम्र कैद, या जब तक उसकी उम्र रहती है तब तक उसको कैद या डेथ पेनाल्टी दी जाएगी। तो दोस्तों, बीएनएस की इस धारा में 66 में या आईपीसी के 376A में कोई भी चेंजेस नहीं है, जो पनिशमेंट है वो सेम है और सेम रखी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा और 376A आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।